माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किए हैं। उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो सेवा की भाव की जिम्मेवारी दी गई है और ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं, राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। जातीय गणना आप ही के जिस विधानसभा अध्यक्ष थे तो उस समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कराने का, उसकी रिपोर्ट आ गई है, इसका लाभ आगामी चुनाव निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का हम उत्थान करेंगे, उसका कल्याण करेंगे और किसानों का उस ओर कदम बढ़ाना वो हमारा लक्ष्य रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा 17 महीने में सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया, आरजेडी ने किया है, लाखों युवाओं को नौकरी दी है, कई बड़े बड़े काम किए गए हैं। देखिए सारे काम हमने तो उनसे कई बार नेता प्रतिपक्ष के नाते पूछा कि जो एनडीए के समय में प्रारंभ हुआ था उससे हट करके आपके रीजन में कोई नया विजन, कोई नई योजना, कोई नए कार्य है तो बता दे। ये जितने भी गिना रहे हैं वो तो मेरे रीजन के अंदर है। आपका क्या विजन था? आपके पास एक विजन था, वो पूरा बिहार जानता है।